का बशर करने वाला इंसान न दुनिया में घाट पर रहता है और न आखिरत में उसे कोई नुकसान होता है। ईमान का तकाजा होता है कि इंसान का दिल पाकीज़ा हो जाए। अमल का तकाजा होता है कि इंसान के आज़ा द्वारे उसके अमल पाक हो पाकीज़ा हो। एक तीसरी चीज और है जिसको
में खराब हो रही है हमारे स्कूलों की बिना पर, हमारे कॉलेजों की बिना पर कैसे खराब हो गई, इतनी खराब हो गई है कि अब हम ये नहीं कहते कि फर्ज से राबिता करेंगे, ये कहते हैं फर्ज से संपर्क करेंगे। तो संपर्क करना बहुत आसानी से बोल देते हैं, राबिता करना ये हम नहीं बोल पाते, इसलिए कि हमने वो सीखे ही नहीं। और भी ऐसे ही अनुवाद हैं जो आप दोहरा सकते हैं, देख सकते हैं। इस्लामी तहजीब को अगर पढ़ना हो तो किताब का नाम मैं बता देता हूँ, उसे पढ़िएगा तभी मौका मिले। अल्लामा मुंशी रहमान की किताब है तहजीबुल इस्लाम, उसमें उठने बैठने चलने फिरने सारे तहलुआत और बवाबी की तहजीब को बयान कर दिया गया है। उन्होंने जुमा किया है, पहले वो अरबी में थी, अब उर्दू में भी आ गई है, अब हिंदी में भी आ गई है, अब अंग्रेजी में भी आ गई है। तो जिस जबान में भी आदमी पढ़ना चाहे उस जबान में पढ़ सकता है। आप थोड़ा सा फर्क यह है कि ट्रांसलेट करने वालों का तर्जमा करने वालों ने अंग्रेजी में जो तर्जमा किया है वो अरबी जबान की मुकम्मल तर्जमानी नहीं करता। जो उनके पास अल्फाज है उन्हीं अल्फाज के जरिए वो लोगों तक इस्लामी तहजीब को पहुंचाना चाहते हैं। एक बात के सिलसिले में मैं गुजारिश करता हूँ, कितनी बुलंद है इस्लामी तहजीब। अव्वलन तो मजहब इस्लाम ने यह कहा है कि किसी बाप को ऐसा मौका औलाद को नहीं देना चाहिए कि बाप औलाद से किसी चीज का मुकाबला करे या किसी चीज को तलब करे। खुद औलाद को ख्याल रखना चाहिए कि माँ बाप की जरूरतें क्या है, उन जरूरतों को पूरा करते रहना चाहिए। फिर तहजीब इस्लामी ये कहती है कि अगर कभी
Yeah.
तो एक बात बताओ,
Thank you.